भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की आंदोलन पर बड़ी चोट लगी है। 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक प्रदर्शन से दूर हट गई हैं। वो रेलवे में अपनी नौकरी पर वापस लौट गई हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन से साक्षी का पीछे हटना इस आंदोलन के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट भी आंदोलन से हट सकते हैं और अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। इन तीनों पहलवानों के ही नेतृत्व में ब्रजभूषण का विरोध किया जा रहा था। इससे पहले शनिवार रात को साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 1 से 1.5 घंटे की मुलाकात में गृह मंत्री ने तीनों खिलाड़ियों से कहा कि वे जोश की बजाय समझदारी से काम लें। वही बताया जा रहा है कि अमित शाह ने पहलवानों को आंदोलन समाप्त करने के लिए समझाते हुए कहा, किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुलाकात के दौरान पहलवानों ने ब्रजभूषण की गिरफ्तारी पर ही जोर दिया। इस पर शाह ने कहा, कोई भी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी। इसके बाद बजरंग पुनिया सोनीपत स्थित मुंडलाना पंचायत में पहुंचे और आह्वान किया, आज कोई फैसला नहीं लिया जाए। उन्होंने कहा, जल्द ही सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। इस बारे में 3-4 दिन में फैसला लिया जाएगा, फिर सभी को पंचायत के स्थान और समय के बारे में बता दिया जाएगा। इसी पंचायत में अगला फैसला भी लिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।